हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज टी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का जो त्योहार है उसका बहुत ही महत्व माना जाता है। फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की पूजा करने का विधान है। इस दिन बांके बिहारी मंदिर को फूलों से खूब सजाया जाता है और वहाँ फूलों की होली भी खेली जाती है। इसके अलावा इस दिन घर में भी राधा कृष्ण की पूजा करने का विधान है। राधा कृष्ण को फूलों से सजाना चाहिए और तरह तरह के फूल उन्हें अर्पित करने चाहिए। वहीं ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया जाता है कि इस दिन कुछ कामों को अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से इंसान को शुभ फल की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही कुछ कामों को करने से बचना भी चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले आइए जानते हैं किस दिन मनाई जाती है फुलेरा दूज। हिंदू धर्म के अनुसार और हिंदू पंचांग के अनुसार फुलेरा दूज का त्योहार हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस बार फुलेरा दूज का पर्व 12 मार्च 2024 के दिन मंगलवार को पड़ रहा है। तो इस दिन ही राधा कृष्ण की बहुत अच्छे से पूजा करनी है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं वो भी राधा कृष्ण की पूजा जरूर करें। आइए जानते हैं फुलेरा दूज के दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहला, गुलाल अर्पित करना। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण की पूजा के बाद उन्हें गुलाल अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री राधा कृष्ण को गुलाल अर्पित करने से घर में खुशहाली का आगमन होता है और आपका जो पार्टनर है वो आपको प्रेम करता है, यानी कि आप दोनों के रिश्ते में मधुर व्यवहार बना रहता है, प्रेम व्यवहार बना रहता है। आइए जानते हैं दूसरा क्या है, फूल अर्पित करना। इस दिन श्री राधा कृष्ण पर फूल अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फूल ताजे हों, कोई भी फूल मुरझाया हुआ ना हो। इसके अलावा फूलों को घर लाने के बाद पहले धोएं फिर अर्पित करें। अगर फूल गंदे हैं, आप बाहर से खरीद के ला रहे हैं, तो आप फूल को जरूर धोएं। अगर आप पेड़ से फूल को तोड़ रहे हैं तो फूल को धोने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 3, श्रृंगार का सामान अर्पित करना। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर अपने वैवाहिक जीवन के क्लेश से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपने जीवन साथी के साथ फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए। किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं, अपने जीवन साथी के साथ जिसको आप पाना चाहते हैं या फिर आपका जो जीवन साथी है उसके साथ जा करके राधा कृष्ण के मंदिर में फूल अवश्य चढ़ाएं। गाय को भोजन कराना, फुलेरा दूज के दिन गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। कहते हैं कि गाय की सेवा करने से राधा कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गाय को रोटी खिलाना और हरा चारा खिलाना चाहिए, उनका पूजन भी करना चाहिए। आइए जानते हैं पांचवा, राधा कृष्ण की विधिवत पूजा करना। अगर किसी व्यक्ति का रिश्ता जीवन साथी के साथ टूट गया है या टूटने वाला है, आपका केस चल रहा है या फिर आपका अलगाव है, तो ऐसे में फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करने चाहिए। आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो आप वहां जाएं, नहीं तो आप ऐसा घर में भी कर सकते हैं। और जो भी आप मतलब अर्पित करते हैं उसको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें, लेकिन जो सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं उनमें से एक सामग्री अपने पास सहेज करके संभाल करके मतलब उसको अच्छे से रखें। आइए जानते हैं फुलेरा दूज के दिन क्या नहीं करना चाहिए। फुलेरा दूज के दिन तामसिक भोजन से बचे रहना चाहिए। मांसाहार, शराब, धूम्रपादि आदि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्री राधा कृष्ण को चढ़ाया हुआ गुलाल आपके पैरों के नीचे ना आए, यानी कि जो आप चढ़ा रहे हैं बहुत ही संभाल के चढ़ाइए और ना ही उस गुलाल से आप बाद में होली के लिए कि वो किसी के पैरों के नीचे आए। फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की अलग अलग पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन इनकी पूजा एक साथ ही करनी चाहिए। इस दिन अलग अलग पूजा करने से प्रेम संबंधों में दूरी आने लगती है। तो आपके पास जो भी मूर्ति है, अगर नहीं भी है तो आप राधा कृष्ण की मूर्ति एक साथ वाली ले आए और उसके साथ में पूजा करें। नंबर 3, फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। ऐसे में महादेव और माता पार्वती की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो ये पूजा अपूर्ण मानी जाती है। अगला है, फुलेरा दूज पर क्या करें ये आसान उपाय। आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे उपाय जो फुलेरा दूज के दिन करने से आपकी जिंदगी आसान कर देंगे। पहला है, अगर किसी शादीशुदा व्यक्ति के जीवन में समस्या आ रही है तो फुलेरा दूज को
अपने पति के साथ मिलकर के राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। दोनों के साथ मिलकर के पूजा करने पर राधा रानी की उनके रिश्ते पर कृपा होती है और उनकी जोड़ी हमेशा मजबूत बनी रहती है। तो अगर आपके रिश्ते में तनाव है, नहीं भी है, तो भी आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में राधा कृष्ण की पूजा करें। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही है तो फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के श्रृंगार की सामग्री को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से राधा रानी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके विवाह के योग्य जल्दी ही बन जाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहता है तो फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की पूजा अवश्य करे। इसके बाद उनके चरणों में अपने जीवन साथी का नाम लिख करके रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके प्रेम विवाह के योग जल्द ही बन जाएंगे। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये उपाय जरूर आजमाएं। ये बिल्कुल अचूक उपाय है। ऐसा करने से आपका काम जरूर बनेगा। इसके अलावा अगर जीवन शुदा मतलब जैसे जो शादीशुदा लोग हैं, जो आपका जीवन साथी है, उसके साथ आपकी परेशानी चल रही है, आप में अलगाव हो रहा है, तो फुलेरा दूज के दिन राधा रानी और भगवान कृष्ण को पीले रंग के फूल जो है वो अर्पित करने चाहिए। इसी के साथ उन दोनों को पीले वस्त्र भी अर्पित करने चाहिए। इसके बाद माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से लव लाइफ में आ रही समस्याओं में कमी आती है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।